हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल की नोट। आज आम ए वीडियो रे कि एमसीक्यू डिस्कशन करवा। आम सब लास्ट क्लास रे जो सब सब्जेक्ट पढ़ी एमसीक्यू ताकू ही बेस करके अच्छी। तो चलत आम स्टार्ट करवा। क्वेश्चन नंबर वन कौन पचार चे? द टर्म बायोलॉजी वाज कॉइन बाय ऑप्शन ए अरिस्टोटल, ऑप्शन बी लामार्क एंड ट्रेविनस, ऑप्शन सी है डार्विन, ऑप्शन डी है लिनियस। तो यार आंसर कौन हम? यार आंसर हम ऑप्शन बी लामार्क। सॉरी टिके रुंतु, क्वेश्चन नंबर वन आंसर है लामार्क एंड ट्रेविनस। आम जानते अरिस्टोटल के अरिस्टोटल थे फादर ऑफ बायोलॉजी, डार्विन डार्विन है फादर ऑफ इवोल्यूशन, आउ लिनियस लिनियस कैरोलस लिनियस सी कौन करते कौन सी जाना थे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तापर आम जा क्वेश्चन नंबर टू को। क्वेश्चन नंबर टू कहला स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज नोन एज, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग को आम कौन कह? ऑप्शन ए इथोलॉजी, ऑप्शन बी एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन सी ट्राइकोलॉजी, ऑप्शन डी होमोलॉजी। तो यार आंसर कौन हम? यार आंसर हम ऑप्शन बी एंथ्रोपोलॉजी है। इथोलॉजी कौन? इथोलॉजी है स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, एनिमल मानकर बिहेवियर को जितेबाला आम स्टडी करवा सेटा को आम कह इथोलॉजी। आउ ट्राइकोलॉजी, ट्राइकोलॉजी है स्टडी ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू हेयर है। होमोलॉजी, होमोलॉजी है आम जो होमोलोगस ऑर्गन विषय आम इवोल्यूशन रे पढ़वा सेत आम पढ़वा ता विषय होमोलॉजी विषय। स्टडी ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री स्टडी ऑफ एनिमल विथ रेस्पेक्ट टू देयर एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज, ऑप्शन ए इकोलॉजी, ऑप्शन बी साइटोलॉजी, ऑप्शन सी फिजियोलॉजी, ऑप्शन डी एनिमल बिहेवियर। तो यार आंसर कौन हम? यार आंसर हम ऑप्शन ए इकोलॉजी। साइटोलॉजी कौन? स्टडी अबाउट सेल। फिजियोलॉजी है कौन? जितेबाला आम गोटे मन कर प्लांट आम जो फिजियोलॉजी पढ़ुचे तार लाइफ प्रोसेस विषय पढ़ुचे से केमती ग्रोथ करमती रेस्पिरेसन करमती फोटोसिंथेसिस करुचे से विषय। आम जी अब क्वेश्चन नंबर फोर, सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर कौन पचारा? स्टडी अबाउट आलजी, स्टडी अबाउट आलजी को आम कौन कहवा? ऑप्शन ए है फाइकोलॉजी, ऑप्शन बी है माइकोलॉजी, ऑप्शन सी वायरोलॉजी, ऑप्शन डी एल्गोलॉजी एंड ऑप्शन ई है बोथ ए एंड डी। यार आंसर हम ऑप्शन ई बोथ ए एंड डी, फाइकोलॉजी एंड एल्गोलॉजी है स्टडी अबाउट एल्जी। माइकोलॉजी कौन? माइकोलॉजी है स्टडी अबाउट फंजी, और वायरोलॉजी है स्टडी अबाउट वायरस। क्वेश्चन नंबर फाइव पचारा फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी के लामार्क, डार्विन, थियोफ्रास्टस आउ अरिस्टोटल एम भितर किए फादर ऑफ बायोलॉजी? एम भितर फादर ऑफ बायोलॉजी है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल जो बुक लिखी थे तार नाम कौन थी? तार नाम थी हिस्टोरिया एनिमलियम है। क्वेश्चन नंबर सी कहला आउ थियोफ्रास्टस किए से फादर ऑफ बॉटनी, सी को बुक लिखी थे? सी लिखी थे हिस्टोरिया प्लांटारम है। लामार्क तो आम जान लें से फादर ऑफ सॉरी लामार्क कौन करते से बायोलॉजी रो वर्ड को फर्स्ट यूज करते। क्वेश्चन नंबर सी है द ब्रांचेस इन व्हिच एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ प्लांट स्टडीड, ऑप्शन ए प्लांट टैक्सोनॉमी, ऑप्शन बी प्लांट एनाटॉमी, ऑप्शन सी प्लांट फिजियोलॉजी एंड ऑप्शन डी प्लांट मॉर्फोलॉजी। यार आंसर कौन हम? आंसर है ऑप्शन डी प्लांट मॉर्फोलॉजी।
आम प्लांट टैक्सोनोमी रे कौन स्टडी कर था क्लासिफिकेशन स्टडी कर था एनाटोमी रे तार इंटरनल स्ट्रक्चर विषय रे आम स्टडी कर था। फिजियोलॉजी रे तो पूर्व आम डिस्कशन करके आल तार लाइफ प्रोसेस विषय रे से केमती रेस्पिरेशन करुचे ग्रोथ केमती करुचे फ्लावरिंग केमती होउचे न्यूट्रिशन सब केमती करुचे एक्सेट्रा। तो एबे आम जा क्वेश्चन नंबर 7 को क्वेश्चन नंबर 7 कहला द ब्रांच इन व्हिच स्टडीड अबाउट फॉसिल प्लांट। फॉसिल प्लांट विषय रे जते बेला हम स्टडी करबा से ब्रांच को कोन कह जीव साइटोलॉजी ऑप्शन ए साइटोलॉजी ऑप्शन बी जेनेटिक्स ऑप्शन सी फोटोजियोग्राफी ऑप्शन डी हला फाइटोबॉटनी। तो यार आंसर हला ऑप्शन डी फाइटोबॉटनी। साइटोलॉजी रे हम स्टडी अबाउट सेल जेनेटिक्स तो हला हेरिडिटी विषय रे स्टडी करा जाए आउ फाइटोजियोग्राफी रे कौन हुए ना आमे यार्थ उपरे जो प्लांट मानकर डिस्ट्रीब्यूशन आउ ताकु को फैक्टर सब डिस्टर्ब करे ता विषय रे प्लांट जियोग्राफी रे पढ़ा जाए। प्लांट जियोग्राफी टाकु भी आमे कहि परबा फाइटोजियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 8 कहला डिटेल स्टडी अबाउट फंजी। ऑप्शन ए ब्रायोलॉजी ऑप्शन बी एल्गोलॉजी ऑप्शन सी माइकोलॉजी ऑप्शन डी वायरोलॉजी। यार आंसर हला ऑप्शन सी माइकोलॉजी ऑप्शन सी माइकोलॉजी। ब्रायोलॉजी हला स्टडी अबाउट ब्रायोफाइटा एल्गोलॉजी हला स्टडी अबाउट एल्जी वायरोलॉजी हला स्टडी अबाउट वायरस। क्वेश्चन नंबर 9 बायोलॉजी इज ए डैश वर्ड एक रे लैटिन वर्ड बी रे ग्रीक वर्ड सी रे अमेरिकन वर्ड डी रे नन ऑफ दिस। तो यार आंसर हबो ऑप्शन नंबर बी ग्रीक वर्ड। आम जानते बायोलॉजी रे आम बहुत सारा टर्म्स आसो से गुड़ा पूरा लैटिन आउ ग्रीक वर्ड रु ही आसी थाए। आम जीवे क्वेश्चन नंबर 10 को स्टडी अबाउट द बिहेवियर ऑफ एनिमल इज नोन एज। जेतेबेले आमे एनिमल रो बिहेवियर विषय रे स्टडी करिवा ताकु कोन कहा जाए ए इकोलॉजी बी सोशियोलॉजी सी इथोलॉजी डी हला एंथ्रोपोलॉजी। तबे कोनतु कोन इकोलॉजी तो आमे जानले एनवायरनमेंट सहित एनिमल रो केमती तार से सहवास करूचे और सोशियोलॉजी तो सोसाइटी विषय रे इथोलॉजी हला कोन स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी और एंथ्रोपोलॉजी आम जानते स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्वेश्चन नंबर 11 स्टडी अबाउट स्पॉन्जेस इज न्यूरोलॉजी बी नेमाटोलॉजी सी न्यूडोलॉजी डी हला पाराजुलोजी। यार आंसर है ऑप्शन नंबर डी पाराजियोलॉजी हला न्यूरोलॉजी तो स्टडी अबाउट न्यूरॉन नेमाटोलॉजी हला स्टडी अबाउट नेमाटोड्स आउ न्यूरोलॉजी हला स्टडी अबाउट बर्ड्स नेस्ट पक्षी मानकर बसा विषय रे जो स्टडी करा जाए सेटा हला न्यूरोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 12 द टर्म सेल वाज गिवन बाय। सेल टर्मटा का द्वारा दिहला ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक ऑप्शन बी हला टैटम सी हला स्वान डी हला डीवेरी। यार आंसर हला ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक। से गोटे कौथे पाई ना कॉर्क रा स्लाइस रे पाई आउ सेटा डेड सेल थिला। क्वेश्चन नंबर 13 द सेल इज नॉट अप्लाइड फॉर सॉरी एटा द सेल थ्योरी हबो द सेल थ्योरी इज नॉट अप्लाइड फॉर आलजी फंजी वायरस ना बैक्टीरिया। तर यार आंसर कौन हबो यार आंसर हबो ऑप्शन नंबर सी वायरस। क्वेश्चन नंबर 14 को जीवा द ब्रांचेस व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज नोन एज। ऑप्शन ए हिस्टोलॉजी बी मॉर्फोलॉजी सी इकोलॉजी
डी साइटोलॉजी। यार आंसर कौन हम यार आंसर है ऑप्शन नंबर डी साइटोलॉजी। हाँ क्वेश्चन नंबर 15 ए प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ ए ऑप्शन ए प्रोटीन बी लिपिड्स सी सेलुलोज डी है स्टार्च। तार आंसर कौन हम यार आंसर हम ऑप्शन नंबर सी सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 16 हु गेव द सेल थ्योरी सेल थ्योरी किए दे थे ए है वाटसन एंड क्रिक बी रुडोल्फ हर्च्यू शुडन एंड श्वान लिवन हु किए दे थे आमर सेल थ्योरी आर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शुडन एंड श्वान। वाटसन एंड क्रिक कौन दे थे सी डीएन डबल हेलिकल स्ट्रक्चर विषय कही रुडोल्फ हर्च्यू सी कौन कही सी कही ओमनी सेलुला ई सेलुला कि गोटे न्यू सेल तार प्री एक्जिस्टिंग सेल रो ही फॉर्मेशन है था लिवेन हुक आमर कौन कही थे लिवेन हुक आमर लाइफ सेल विषय कही थे रॉबर्ट हुक डेड सेल डिस्कवर कर थे ये लाइफ सेल डिस्कवर कर थे। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 कहला सेल थ्योरी एक्सप्लेन दैट ऑप्शन ए एवरी ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ स्मॉल यूनिट ऑफ सेल न्यू सेल फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल सेल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर ऑप्शन डी है नॉन। तो यार करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर ए सेल थ्योरी कही सेल थ्योरी आमर किए दे स्वीडन एंड श्वान। तापर क्वेश्चन नंबर 18 डैश टोल्ड फर्स्ट दैट न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल बा ओमनी सेलुला ई सेलुला स्वीडन एंड श्वान रुडोल्फ हर्च्यू वाटसन एंड क्रिक एंड लिवेन हुक आमर किए कही आर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रुडोल्फ हर्च्यू। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज दैट ऑफ ऑप्शन ए सियान बैक्टीरिया बी अमोबा सी है एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच डी है अन ह्यूमन नर्व सेल आम जानचे यार आंसर कौन ना अन एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच ऑप्शन नंबर सी। तापर राइबोसोम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल 60S एंड 40S 70S एंड 30S 50S एंड 30S कि नॉन यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कौन 50S एंड 30S आम जानते राइबोसोम गोटे बड़ यूनिट रोटे छोट यूनिट रहे है लार्ज यूनिट यहाँ सब यूनिट आगे जाए। तापर न्यूक्लियस क्वेश्चन नंबर 21 कौन पचार न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक परक्विंजी रॉबर्ट ब्राउन एंड नॉन यार आंसर कौन हला ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट ब्राउन कौथे करते ना ऑर्चिड्र रूट्रे करते सी न्यूक्लियस डिस्कवर परक्विंजी डिस्कवर्ड डैश सेल सेल वॉल माइक्रोस्कोप और प्रोटोप्लास्ट परक्विंजी आम कौन करते आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रोटोप्लास्ट। डैश डिस्कवर्ड द सेमी फ्लुइड सब्सटेंस ऑफ सेल एंड नेम्ड एज सैक्रॉइड किए करते ऑप्शन ए परक्विंजी बी रॉबर्ट हुक सी रॉबर्ट ब्राउन डी दुर्जार्दिन। तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दुर्जार्दिन। क्वेश्चन नंबर 24 द बुक रिटन बाय रॉबर्ट हुक यहाँ मन रखिए बुक रनाटा माइक्रोग्राफिया हिस्टोरिया एनिमलियम हिस्टोरिया प्लांटारम नॉन यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए माइक्रोग्राफिया। क्वेश्चन नंबर 25 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूकेरियोट्स ऑप्शन ए प्रोटिस्टा
प्लांट्स एनिमल्स एंड सियान बैक्टीरिया आम जानते क्वेश्चन पचार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूकेरियोट्स एम भर कौटा यूकेरियोट्स नुह मैंने कौटा प्रोकेरियोट्स तो प्रोकेरियोट्स के मोनेरा ग्रुप जी बैक्टीरिया आ ब्लू ग्रीन एलर्जी तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी सियानो बैक्टीरिया हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नोलैंड रस्क रॉबर्ट ब्राउन क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट ये ऑप्शन नंबर सी डी तो आम पूरा जाणी काटिद तो ऑप्शन ए आउ बी रु आम देखिए किए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर करते यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नॉल एंड रस्क क्वेश्चन नंबर 27 क्रोमोसोम्स कैन बी स्टेन्ड विथ वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स ऑप्शन नंबर ए है एसिटोकार्माइन बी है सफारिन सी है योशिन डी है लाइट ग्रीन एंड एटा आम यह विषय आम पढ़ीने क्रोमोसोम विषय तो आपण मैंने खाली यार आंसरटा जान था यार आंसरटा है ऑप्शन नंबर ए एसिटोकार्माइन तो आम जब लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28 हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल्स आर नोन ऑप्शन ए वन ऑप्शन बी टू ऑप्शन सी थ्री ऑप्शन डी फोर तो यार करेक्ट आंसर हम कौन ऑप्शन सी थ्री आम जानचे गोटे है प्रोकैरियोट सेल यूकैरियोट सेल आ गोटे है कौन मेजोकैरियोटिक सेल फास्ट डॉटरी दे टू टाइप रो सेल से कही मैंने न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज नहीं कि डॉगी सीए कहले कि आउ गोटे सेल अच्छे से कौन मेजोकैरियोटिक सेल तो यार आंसर हम ऑप्शन नंबर सी थ्री रॉबर्ट हुक यूज द टर्म सेल इन द ईयर ऑप्शन ए 1667 ऑप्शन बी 1865 ऑप्शन सी 1960 आउ ऑप्शन डी है 1665 तो यार आंसर है इन ईयर 1665 रॉबर्ट हुक यूज द टर्म सेल यार आंसर है डी द टर्म न्यूक्लियोलस एटा न्यूक्लियस नुह एटा है न्यूक्लियोलस एन ई सी एल ई ओ यू ओ एल यू एस न्यूक्लियोलस वाज कॉइन्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन एच हुक बाउमैन्स एंड हेस्टरिन तो या न्यूक्लियस आमर किए करते रॉबर्ट ब्राउन किंतु न्यूक्लियस किए करते न्यूक्लियस आमर किए करते ना बाउमैन ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 31 द नॉन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर इज ऑप्शन ए है सेंट्रियोल राइबोसोम डी है न्यूक्लियस सॉरी ऑप्शन ए है सेंट्रियोल बी है राइबोसोम सी है न्यूक्लियोलस डी है ऑल यार करेक्ट आंसर हम कौन ऑप्शन नंबर डी ऑल आज क्लास आम 31 टा क्वेश्चन डिस्कशन कले आम लास्ट क्लास रे जो सब थियोरी पढ़ी तो जदि आपण मानक वीडियो भल लगुच लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करूँ आम नेक्स्ट क्लास रे यूकैरियोटिक सेल रो ऑर्गेनेल्स विषय पढ़िया रोचे धन्यवाद।